आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल यूनिक, डिलीशियस और अलग तरीके से बनने वाला क्रिस्पी पराठा, बिल्कुल कम तेल से बनने वाला। और इसमें कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी, मेथी के पराठे कई बार कड़वे बन जाते हैं, किस कारण से बनते हैं, एकदम क्रिस्पी नहीं बनते, थोड़े से किचकिचे से बनते हैं, ये सारी टिप्स और ट्रिक आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और मेथी के पराठे की खास बात ये है कि ये बिना स्टफिंग के बनाए जाते हैं। मैं इस वीडियो में अलग अलग 3 शेप के पराठे बनाकर दिखाऊंगी, वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे कुक विद पिंकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, आपका कुक विद पिंकी चैनल में स्वागत है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं मेथी का पराठा। पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 kg मेथी को लिया है, इसकी डंडी को अलग कर दिया है, पत्ती पत्ती रख ली है और इसको अच्छे से 2 से 3 बार धुलकर साफ कर लिया है। इसका पानी पूरी तरह से निकल जाना चाहिए, पानी नहीं रहना चाहिए। अब इसको कट करेंगे। यहाँ पहली टिप्स ये है, जब भी आप सब्जी या पराठा बनाएं तो मेथी को पहले से कट करके नहीं रखें, उसी वक्त काट कर तब बनाएं, वरना रखी हुई मेथी से सब्जी या पराठा बनाएंगे वो कड़वा हो सकता है। आटा गूंथने के लिए एक बर्तन लेंगे, उसमें 2 कटोरी आटा डालेंगे, आप अपने परिवार के हिसाब से डालें। 2 कटोरी आटा में 2 चम्मच बेसन ऐड करेंगे, अगर आप 4 कटोरी आटा लेते हैं तो 4 चम्मच बेसन डाल सकते हैं। 1 चम्मच अजवाइन को क्रश करके डाल देंगे, 1 से 2 चम्मच जीरा पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्ची, लहसुन 8-10 कली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इन सभी का पेस्ट बनाकर मैंने इसमें डाला है। इससे क्या है, इसका फ्लेवर और अच्छा आएगा। अब इसमें मेथी ऐड करेंगे, मेथी हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे 2 से 3 बार में, आटे को धीरे धीरे करके गूंथेंगे। पहले मेथी में ही गूंथना है हमें, पानी ऐड नहीं करना है, जब पानी की ज़रूरत पड़ेगी तब इसमें पानी ऐड करेंगे, पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं लगती है। अब इसमें ऐड करेंगे पानी, पानी की मात्रा हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका सॉफ्ट सा डो बनाएंगे। जितना इसका सॉफ्ट डो होगा उतना ही पराठा अच्छा बनेगा। ये मैंने सॉफ्ट डो बना लिया है, इसी तरह का डो बनाना है, ज़्यादा हार्ड होगा तो पराठा अच्छा नहीं बनेगा। अब इसकी छोटी सी एक लोई लेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे, इससे चिपके नहीं। अब इसको हल्के हाथ से बेलन से बेलेंगे, एक पूड़ी कितना बड़ा बना लेंगे। अब इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल, ऑयल लगाने के बाद इसको डबल फोल्ड में करेंगे, फिर ट्रिपल फोल्ड में। अब इसको बेलेंगे, ये मैं 3 कोन का पराठा बना के दिखा रही हूँ, ये देखिए पराठा बन गया है। इसको जितना पतला बेलेंगे ये पराठा उतना ही अच्छा बनेगा, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, जितना रोटी होती है उतना ही मोटा रखना है। ये देखिए मैंने इतना पतला रखा है, तवे को पहले से गैस पर रख दिया, तवा गर्म हो गया है। अब इस पर पराठा डाल देंगे, एक तरफ सिक गया है, अब इसको पलट देंगे। पराठे आप कभी भी बनाएं उनको 1 से 2 बार पलटने के बाद ही उस पर घी या तेल जो भी है उसको लगाएंगे, फिर इसको करछली की हेल्प से दबा दबा के सेकेंगे इधर से उधर पलट कर। पराठा कच्चा नहीं रहना चाहिए, जितना अच्छा पराठा पकेगा उतना ही क्रिस्पी बनेगा। पराठा पक गया है, अब इसको साइड में रख देते हैं। अब मैं आपको दूसरी शेप के पराठे बनाकर दिखाऊंगी। फिर से एक लोई लेंगे, सूखा आटा लगाकर उसको बेल लेंगे पूरी जितना बड़ा, फिर उस पर घी लगा लेंगे पूरी पूरी पर, उसको डबल फोल्ड करके फिर घी लगाएंगे, फिर इसको ट्रिपल फोल्ड में कर देंगे। अब लेंगे एक चाकू, चाकू से इसकी शेप दे देंगे, ये मैं चौकोर शेप में बना रही हूँ इसीलिए चौकोर शेप में कट कर दिया है। फिर इस पर सूखा आटा डाल के फिर से बेल लेंगे, ये देखिए मैं आपको बेल कर दिखा रही हूँ, बेलना हमको पतला ही है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। ये देखिए जितनी रोटी पतली होती है उतना ही पतला बेलना है। इसको भी हम सेक लेंगे, गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना है। अगर आप पराठा क्रिस्पी बनाते हैं तो गैस का फ्लेम हाई नहीं रखें, मीडियम टू लो रखें। ये देखिए मैं आपको सेक कर दिखा रही हूँ, ये देखिए पराठा अच्छे से पक गया है। अब इसको साइड में रख देते हैं। अब मैं आपको
एक और नई ट्रिक के साथ बताती हूँ। अगर वो ट्रिक आपको समझ में नहीं आ रही हो तो ये देख लीजिए, पूड़ी को बड़ा सा बेल के फिर उस पर घी लगा के ट्रिपल फोल्ड में कर लेंगे, फिर से इस पर सूखा आटा डालेंगे, फिर इसको बेलेंगे, पूरा पराठा बेलकर बना लेंगे। अब इसकी शेप दे देंगे, आप जिस शेप में बनाना चाहते हैं उस शेप में बना सकते हैं। मैं ये चौकोर शेप में बना रही हूँ, ये देखिए। ये तरीका भी बहुत आसान है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब मैं आपको गोल शेप में पराठा बनाकर दिखाऊंगी, ये तरीका बहुत बेस्ट रहता है। इसमें क्या है, बनने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। बड़ी सी पूड़ी बेल कर उस पर घी लगा लेंगे, घी लगाने के बाद इसकी साइड से प्लेटर टाइप की पूरी लेते जाएंगे, इस तरह से मैं कर रही हूँ। पूरी प्लेट इकट्ठा करने के बाद इसको हल्के हाथों से दबा देंगे, फिर इस पर सूखा आटा डालकर बेलेंगे। जितना बड़ा हमें बेलना है उतना बड़ा रखेंगे। ये देखिए मैंने बना दिया, अब इसको आपको सेक के दिखा देती हूँ। आपको पराठे बनाने की कौन सी ट्रिक अच्छी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये देखिए ये पराठा पूरा बन गया है, अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे पराठे, ये देखिए अलग अलग इसमें लेयर आ रही हैं। ये खोल कर दिखा देती हूँ, थोड़ा गर्म है, हाथ जल रहा है। तो आप भी बनाइए इस ठंडी के मौसम में गर्मा गर्म मेथी के पराठे। मेथी खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, हमें किसी न किसी रूप में लेनी चाहिए। अगर मेथी के पराठे मक्खन के साथ मिल जाए तो मज़ा ही कुछ और होता है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ।